सेगमेंट में मैं चेतना सिंह आपके साथ। आइए बढ़ते हैं भोपाल की खास खबरों की। एसपी हेडक्वार्टर रामजी श्रीवास्तव और महिला डीएसपी हेडक्वार्टर पर एक कांस्टेबल को मारने के आरोप, कांस्टेबल का आरोप, दोनों ने मिलकर कमरे में बंद कर पीटा। महिला डीएसपी का लंबे वक्त तक ड्राइवर था पीड़ित कांस्टेबल। महिला डीएसपी ने रख लिया था किसी बात को लेकर कांस्टेबल का मोबाइल। शिकायत लेकर जब कांस्टेबल पहुंचा एसपी हेडक्वार्टर के पास तो महिला डीएसपी और एसपी ने कांस्टेबल को पीटा। 5 दिन पहले पीटा था कांस्टेबल को, अब तक है शरीर पर निशान। मारने के बाद दोनों अधिकारियों ने दी थी कांस्टेबल को धमकी, अगर किसी से इस विषय में शिकायत की तो सस्पेंड कर तुझको पहुंचाएंगे जेल। इसलिए पीड़ित अभी तक था खौफ में, साथ ही पीड़ित से नहीं बन रहा था, 3 दिन तक चलते फिरते। मैं आरक्षक चालक सिंह लक्षित केंद्र भोपाल में पदस्थ हूँ और डीएसपी हेडक्वार्टर माणकमणि कुमार साफ गया गाड़ी चलाता हूँ। मेरे को बरबार पद पूर्वक एसपी हेडक्वार्टर भोपाल और डीएसपी हेडक्वार्टर माणकमणि कुमार द्वारा पिटाई की गई। बरबारता पूर्वक जाति सूचक गालियां दी गई। एक साल से सब में बात हूँ मैं दीपावली से, और लगभग 4 बार में वापसी हो चुकी लाइन वापसी, लेकिन अधिकारी द्वारा वापस बुला लिया जाता है मेरे ड्यूटी पर। ड्यूटी पर बार बार तुम्हें क्यों बुलाया जाता है? पता नहीं क्यों बस बुला लिया जाता है अधिकारी द्वारा। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो सामान अपना लेने गया अधिकारी एसपी हेडक्वार्टर ने मेरे को बोला कि लाइन जाके आमद दे दो। लान आमद देने से पहले मैं अपना कैरी बैग लेने गया वहाँ डीएसपी हेडक्वार्टर माणकमणि कुमार साहब यहाँ बंगले पे, मेरे सामान देने से मना कर दिया गया। बोले सामान नहीं मिलेगा। रिक्वेस्ट करने के बाद कुछ सामान दिया गया, कुछ नहीं दिया गया, मोबाइल रख लिया गया। और इसकी शिकायत करने में एसपी हेडक्वार्टर साहब के पास गया भोपाल, तो वहाँ ये डीएसपी हेडक्वार्टर मैडम वहाँ पहले से उपस्थित थी और उनसे बोला गया एसपी हेडक्वार्टर साहब से कि ये मेरा पीछा कर रहा है। तो वहाँ दोनों डीएसपी हेडक्वार्टर और एसपी हेडक्वार्टर भोपाल ने मिलकर पिटाई की बर्बरतापूर्वक और जाति सूचक गालियां दी। बॉडी में निशान बने हुए हैं। अभी कितने दिन पहले की घटना है ये? 22 तारीख की, बुधवार की। फिर क्या हुआ? तो मेरे को मजबूरी में यहाँ पर ड्यूटी करने आना पड़ा। फिर उसके बाद क्या हुआ? जाते समय एसपी साहब ने बोला कि ठीक है तुम लाइन जाके आमद दे दो। मैंने लाइन जाके आमद देने से पहले अपना सामान लेने डीएसपी हेडक्वार्टर माणकमणि कुमार साहब के पास गया, जो सामान उन्होंने लौटाने से मना कर दिया। बोले तुमको सामान नहीं दिया जाएगा। बड़ी बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद थोड़ा सामान दिया गया लेकिन मोबाइल नहीं दिया गया। फिर जिसकी शिकायत करने में एसपी हेडक्वार्टर भोपाल साहब के पास गया, तो मैडम वहाँ पहले पहुँच चुकी थी और एसपी से साहब से झूठी शिकायत की कि मेरा पीछा कर रहा है, और फिर एसपी हेडक्वार्टर साहब और डीएसपी मैडम ने दोनों ने मिलकर पिटाई की। बरबरा पूर्तक मेरे को मारा क्यों, किस वजह से मारा? जाते ही गालियां दी। हाँ, उसके बाद बोला कि तुम्हारे मोबाइल से तुम्हारे को जेल भेजाएंगे, सस्पेंड कराएंगे, बर्खास्त कराएंगे। तुमने किसी बड़े अधिकारियों से शिकायत नहीं की इसकी? नहीं, उन्होंने धमकी दी थी कि मोबाइल तुम्हारे को बर्खास्त कराएंगे, सस्पेंड कराएंगे और जेल भेजवाएंगे। क्या धमकी दी थी उन्होंने? सिर्फ इतनी? हाँ, तो तुम्हें शिकायत तो करना चाहिए था ना बड़े अधिकारियों से। हाँ, लेकिन धमकी दी थी इसलिए शिकायत नहीं की, तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, इसलिए वरिष्ठ अधिकारी शिकायत नहीं की। कितने दिन पहले की घटना है ये? 5 दिन पहले की घटना है। कहाँ कहाँ पर निशान है बॉडी के? कहाँ कहाँ पर मारपीट की है? हाथों पर, पूरे बॉडी पे, पैरों पर। ये किसने? एसपी हेडक्वार्टर के द्वारा मारा गया है? एसपी हेडक्वार्टर, डीएसपी हेडक्वार्टर भोपाल माणकमणि कुमार।